जहां मांडू में आज से बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर लगने जा रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बयान दिया है। बड़ी खबर आपको बता दें, आज से बीजेपी प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत करने जा रही है। मांडू में 7-8-9 अक्टूबर को प्रशिक्षण शिविर लगाया जाएगा। प्रशिक्षण शिविर बीजेपी कार्यपद्धति का हिस्सा है। तो प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि 3 दिन के शिविर में सभी मोर्चे के लोग शामिल होंगे और ये शिविर बीजेपी की कार्यपद्धति का एक हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी 7-8-9 तारीख को प्रशिक्षण वर्ग करने जा रही है मांडू में, लेकिन जाहिर सी बात है कि जब इस तरह के प्रशिक्षण होते हैं तो बात 2023 की भी होती है। मेरे साथ बीडी शर्मा जी है, प्रदेश अध्यक्ष। ये जो प्रशिक्षण है, पहले भी कार्य समिति होने वाली थी पचमढ़ी में, वो नहीं हुई, फिर सब कार्य समिति हुई, तो क्या उसी का हिस्सा इसको माने और इसमें क्या होने वाला? प्रदेश का प्रशिक्षण एक रूटीन प्रोसेस है। हमारे मंडल से लेकर के सभी प्रशिक्षण हो गए, केवल प्रदेश का प्रशिक्षण बचा था जो नगर निकाय ग्रामीण निकाय के चुनाव के कारण से आगे बढ़ा था। वही प्रशिक्षण प्रदेश का जो संगठनात्मक काम में जो प्रशिक्षण विभाग है वो हमारा प्रदेश का प्रशिक्षण का वर्ग है। और संगठनात्मक काम की दृष्टि से ही एक कार्यकर्ताओं का वैचारिक प्रबोधन, संगठनात्मक प्रबोधन, इस नाते से ये वर्ग होता है। इसमें किसी प्रकार की बहुत 2023 या 2024 की चर्चाएं नहीं होती, ये संगठनात्मक प्रशिक्षण है। लेकिन 7-8-9 तारीख बड़ी महत्वपूर्ण है, 3 दिन का ये प्रशिक्षण है और प्रशिक्षण मालवा में भी हो रहा है। मालवा वो है जहाँ से सत्ता की चाबी भारतीय जनता पार्टी की। ये तो हम कोई कार्यक्रम हम पूरे प्रदेश के कोने कोने में करते हैं, अलग अलग करते हैं, ऐसा नहीं कि केवल मालवा इसके कारण से कर रहे हैं। सभी जगह पर कार्यक्रमों का स्वरूप अलग अलग रहता है, इसलिए अलग अलग क्षेत्रों में करते हैं। चलिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है और 7-8-9 तारीख को मांडू में प्रशिक्षण हो रहा है। डिंपल के साथ मनोज सैनी, बंसल भोपाल। और ज्यादा विस्तार से जानकारी लेंगे, हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज जी, आज से प्रशिक्षण शिविर बीजेपी का शुरू हो रहा है, 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर है। लगातार देखिए इस तरह के आयोजन हो रहे हैं और सीधे से चुनाव से जोड़कर ही देखा जा रहा है। देखिए, जाहिर सी बात है, प्रदेश अध्यक्ष भले ऐसा ना कहे कि 23-24 से जोड़कर इसको ना देखा जाए, लेकिन 23-24 का ही ये प्रशिक्षण एक तरह से कहा जाएगा, क्योंकि इसमें विधायक और सांसद को नहीं बुलाया गया, ये पूरी तरह संगठन का प्रशिक्षण है। इसमें करीब 180 नेताओं को बुलाया गया है, जिसमें अलग अलग मोर्चे के लोग होंगे, जो मंडल है उनके अध्यक्ष होंगे और इन सबसे चर्चा करने वाले हैं। इस पहले दिन के प्रशिक्षण में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा रहेंगे और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा संबोधित करने वाले। 5 से 6 सत्र रोज देखने को मिलने वाले हैं 3 दिन तक। प्रशिक्षण वर्ग में ये भी देखने को मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, चाहे हम मुरलीधर राव की बात करें, शिव प्रकाश जी की बात करें, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि केंद्रीय मंत्री है, नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री है, ये सब लोग पहुंचने वाले हैं। कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय महासचिव और सभी प्रशिक्षण में भाग लेंगे। पंकजा मुंडे वहां शामिल होने वाली है, तो तमाम वरिष्ठ नेता रहेंगे, लेकिन 3 दिन में अलग अलग सत्रों के दौरान अलग अलग वरिष्ठ नेताओं के भाषण भी होंगे। पर इसमें कहीं ना कहीं यदि हम देखते हैं तो 4 से 5 ऐसे बूथ तैयार करना शक्ति केंद्र के रूप में, जिनको अलग तरह से एक मैनेजमेंट के जरिए आगे बढ़ाया जाए और बूथ से मैसेज दिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी बूथ के जरिए चुनाव की तरफ बढ़ेगी। और साथ ही ये भी देखने को मिलेगा कि एक एक व्यक्ति जो 180 लोग वहां पहुंच रहे हैं, उनको प्रशिक्षित इस बात के लिए किया जाएगा कि कैसे आपको चुनाव मैदान में जाना है, कौन सी हमारी कमियां हैं उनको दूर करना है। तो पचमढ़ी में पहले जरूर कार्य समिति होने वाली थी, लेकिन उसके बाद वो नहीं हो सकी, तो अब ये प्रशिक्षण शिविर हो रहा है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है 2023-24 से पहले। इस बीच में अमित शाह भी मध्यप्रदेश आ रहे हैं और साथ ही हमने ये भी एक बड़ी बात देखी कि कल रात को बड़ा एक परिवर्तन भी देखने को मिला, 5 जिलाध्यक्ष बदले गए, तो अब पूरी तरह संगठन भी 2023-24 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल मनोज जी, क्योंकि जिस तरह के बदलाव देखने को मिल रहे हैं और लगातार एक्टिव भी बीजेपी दिखाई दे रही है, चुनाव की तरफ ये इशारा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो आज से 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत होने जा रही है। 7-8 और 9 अक्टूबर को ये प्रशिक्षण शिविर जो कि मांडू में आयोजित किया गया है।